नमस्कार, रिसेंटली न्यूज में आपका स्वागत है। मैं धनंजय वाजपेयी। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जनपद में लूट और हत्या की एक अजीब घटना सामने आई है, जिसमें किसी मकान में लूट नहीं हुई है, किसी ऐसे स्थान में या कहीं रुपया पैसा नहीं लूटा गया, बल्कि गन्ना और ट्राली लूटने के लिए चौकीदार की निर्मम हत्या कर दी गई। सदर बाजार थाना क्षेत्र के ग्राम सहबाज नगर में डालमिया चीनी मिल का केंद्र स्थापित है, जहां पर प्रमोद नामक युवक चौकीदारी करता था। प्रायः सभी क्रय केंद्र गांव के बाहर निर्जन स्थान पर ही स्थापित होते हैं। घटना शुक्रवार की रात की है, जब प्रमोद अपने घर पर भोजन करने के लिए गया तो वो अपने पिता रामनाथ को गन्ना सेंटर के देखभाल के लिए छोड़ गया। घर पहुंचने पर प्रमोद को पता लगा कि उसकी पत्नी की तबीयत खराब है और वो वापस क्रय केंद्र पर नहीं पहुंचा। रात में किसी समय कुछ अज्ञात बदमाश पहुंचे और वहां पर खड़ी दो ट्राली जिनमें गन्ना भरा हुआ था उनको ले जाने का प्रयास करने लगे। ऐसा अनुमान है पुलिस का कि बीच में मारपीट भी हुई, जब क्योंकि रामनाथ के शव को देख करके ऐसा प्रतीत होता है कि उसने काफी संघर्ष बदमाशों के साथ किया। बदमाशों ने जब रामनाथ के ऊपर कब्जा कर लिया होगा, उसको विवश कर दिया होगा, तब उसके हाथ पैर बांध करके और उसके मुंह में काफी कपड़ा ठूस दिया, जिससे कि उसकी आवाज बाहर ना जा सके और बदमाश दो ट्राली गन्ना भरी हुई लेकर के मौके से फरार हो गए। अधिक कपड़ा भर देने की वजह से रामनाथ का दम घुट गया और उसकी मृत्यु हो गई। सुबह बाहर जब ग्रामीण पहुंचे और उन्होंने जाकर के देखा कि रामनाथ मृत अवस्था में पड़ा हुआ है, तो उसके परिजनों को सूचना दी और पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस अधीक्षक एस आनंद मौके पर पहुंचे और उन्होंने घटनास्थल का मुआयना किया तथा बताया कि कुछ ऐसे अहम सुराग भी यहां पर मिले हैं, जिससे अनुमान लगाया जा रहा है और जल्द ही बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। आज प्रातः थाना सदर बाजार अंतर्गत शहबाज नगर गांव में गन्ना सेंटर में वहां का जो वॉचमैन है, जिसका नाम रामनाथ है, इसकी उम्र लगभग 57 वर्ष की होगी, उसका शव उसके तखत पर ही जो मड़ई के अंदर पड़ा था, उस पर हाथ पैर बंधे हुए और मुंह में कपड़ा ठूसे हुए मिला था। मौके पर सभी वरिष्ठ अधिकारी पहुंचे और डॉग स्क्वाड भी गया है। वहाँ जो गन्ना सेंटर है वहाँ से दो ट्रालियाँ गायब बताई जा रही हैं, जिसको तस्दीक किया जा रहा है। प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत हो रहा है कि बदमाशों द्वारा ट्रॉली वहाँ से ले जाने के क्रम में इसके साथ हाथापाई हुई है, जो मृतक है, और उसमें उसके बाद उसके हाथ पैर बांधे गए हैं और कपड़े ठूस के उसको दखल कर रख दिया गया है, क्योंकि उसके पेट में काफ़ी मिट्टी थी। ऐसा लगता है कि पहले कुछ गुत्था हुई है। कुछ महत्वपूर्ण साक्ष्य मिले हैं मौके से, जिसके आधार पे मेरा विश्वास है कि हम लोग इसको शीघ्र इस अपराध को वर्कआउट कर लेंगे। रिसेंटली न्यूज चैनल से जुड़े रहें, आप हमारे समाचारों को देखते रहें, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए तथा अपनी समस्याओं से, समाज की समस्याओं से हमें अवगत कराते रहिए। यदि कहीं भ्रष्टाचार अनाचार व्याप्त है, यदि किसी के साथ अन्याय अत्याचार हो रहा है, तो हमें बताइए, हम आपकी बात को सरकार तक पहुंचाएंगे, सोए हुए प्रशासन को जगाएंगे। यदि किसी का उत्पीड़न हो रहा है, हमें बताइए, हम उसकी आवाज बनकर सरकार तक उसकी बात को पहुंचाएंगे। जय हिंद।